बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ एक बहुत ही बेहतरीन और कम वक्त में तैयार हो जाने वाला डेज़र्ट। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही कम वक्त में बन के तैयार होते हैं। दावतों के लिए तो ये एक परफेक्ट डेज़र्ट है और बच्चों और बड़ों सभी को ये पसंद आएगा। सो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक बजट फ्रेंडली रेसिपी है, आप इसको घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रबड़ी मिल्क तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने 3 कप मिल्क लिया है। इसको एक बॉईल आने देंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 इलायची ऐड की है। एक अच्छा सा बॉईल आ जाएगा इसके अंदर। तो हम इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, ये 2 टेबल स्पून है। मिक्स कर लेंगे और पकाएंगे और साइडों से हम इसको स्क्रेप ऑफ करते रहेंगे। मैंने यहाँ पे नट्स ऐड किए हैं 2 टेबल स्पून, केवड़ा एसेंस ऐड किया है फ्यू ड्रॉप्स। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। अब शुगर ऐड करेंगे हम इसके अंदर 1/4 कप और इसको अभी अच्छे से कुक कर लेंगे। लास्ट में हम इसके अंदर फूड कलर ऐड कर देंगे 1 पिंच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना, बल्कि रबड़ी मिल्क बनाना है ये। तो ये थोड़ा सा रनी कंडीशन में ही होना चाहिए। इसको 3 से 4 मिनट कुक करेंगे और उसके बाद इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हम शीरा प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए अब हमने एक सॉस पैन लिया है, इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करेंगे 1 कप। इसके साथ ही यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स मैंने केवड़ा एसेंस के ऐड किए हैं। 1 इलायची ऐड कर दी है। इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। इसको अच्छे से पकाना है ताकि ये अच्छा सा शीरा बनके तैयार हो जाए। एक थिक सा शीरा हमें चाहिए। जब ये बनके तैयार हो जाएगा तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसके थर्ड स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे हम ब्रेड स्लाइसेस को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और ब्रेड को इस तरह से कट करके बीच से हमने कट किया है इनको और फ्राई कर लेंगे। हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाती। हमें इसको बेसिकली क्रिस्पी रखना है, तो हम इसको बोथ साइड से क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। अब फाइनल स्टेप पे हम चलते हैं। यहाँ पे हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। असेंबलिंग के लिए आप इसका तरीका नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले हम फ्राई ब्रेड को शीरे में डिप करेंगे। अच्छे से इस पर एक कोटिंग आ जाएगी शीरे की और अपनी सर्विंग डिश में रख देंगे। और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम अपनी तमाम ब्रेड स्लाइसेस को सर्विंग ट्रे में रखेंगे। इस पे शीरे की एक अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी, तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इस तरह से ये लास्ट तक क्रिस्पी रहते हैं। सो ये देखिए, इस पे तमाम शीरे की कोटिंग हो गई है, तमाम ब्रेड स्लाइसेस पे। अब लास्ट में जो हमने रबड़ी मिल्क तैयार किया था वो इसके ऊपर पोर कर देंगे अच्छे से। तमाम मिल्क हमने इस पे ऐड करना है। और मज़े की बात यह है कि इस पे जितना भी हम ये मिल्क ऐड करें, ये सॉगी बिल्कुल भी नहीं होती, ये क्रिस्पी ही रहती है। इसकी डेकोरेशन के लिए यहाँ पे मैंने क्रश्ड कोकोनट ऐड किया है, डेसिकेटेड कोकोनट है, ये ऐड कर दीजिएगा। ऊपर से कुछ नट ऐड कर दीजिएगा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। सो ये इसका फाइनल लुक है। आप इसको अपने गेस्ट के लिए सर्व कीजिएगा, अपने घर वालों के लिए सर्व कीजिएगा, लेकिन इसको 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा करके सर्व कीजिएगा। तो ये खाने में बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। 3 इजी से स्टेप्स हैं इसके, वो आप इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। आपको आइडिया होगा कि ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है और ये लास्ट तक क्रिस्पी रहती है। बहुत ही बैलेंस मीठा था इसका, क्योंकि हमने रबड़ी मिल्क में चीनी कम ऐड की थी और हमने ब्रेड स्लाइसेस पे जो शीरा कोट किया था वो एक बहुत ही क्रिस्पी टेक्सचर देता था ब्रेड को। सो आप सेम प्रोसेस से इसको फॉलो कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा कि एक बेहतरीन रेसिपी बन के तैयार हुई है। आपके घर वालों को, आपके गेस्ट को ये सर्व कीजिएगा, ये बहुत पसंद आएगी।
सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।